नमस्कार। आज एक बार फिर काले धन की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं चर्चा करना चाहूंगी कि काला धन हमारे देश को अंदर ही अंदर खोखला करता जा रहा है। आखिर कुछ तो ऐसे उपाय होंगे जिससे भारत के अपने काले धन को और विदेश के काले धन को अपने देश में ला करके उसको देश की तरक्की के लिए खर्च किया जाए। इस परिचर्चा को जारी रखते हुए मैं वापस स्वागत करती हूँ निशलेश जी का। निशलेश जी, आपका फिर से स्वागत है। और मैं आपसे फिर से एक बार मैं पूछना चाहूंगी कि आप काले धन को अपने देश में ला करके उसको देश के विकास में कैसे यूज कर सकते हैं? उसमें बहुत सिंपल फंड है, हवाला के जरिए पैसा बाहर जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल एजेंसीज है, IRS है अमेरिका की, उसके बाद यूरोपीय यूनियन का अपना उसी के तर्ज पे एक इकोनॉमिक क्राइम का पूरा विंग है जो मॉनिटर करता है इकोनॉमी को जी। तो जो यूरोपियन रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वहां से हम, और अब 18 मार्च 2011 के बाद, अब क्या है कि 18 मार्च के बाद स्विस बैंक में डिकोड कर दिया है बराक ओबामा के पहल पे ये काम शुरू हुआ। और अल्टीमेट उसका जो रिजल्ट आया वो ये आया कि स्विस बैंक डिकोड हो चुका है। कोई भी स्विट्जरलैंड से इंफॉर्मेशन हम गवर्नमेंट से, अगर गवर्नमेंट चाहे तो मिल सकता हूँ। RTI भी है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी उस कंट्री में है, हमारे यहाँ भी है, तो हम उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, सरकार उनसे इंफॉर्मेशन ले सकती है। फिर अगर मान लो हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति तक खाता है वो शेयर कर सकता है, फिर हम उस पैसे को ला सकते हैं क्योंकि वो पैसा हमारे देश से गया हुआ है या जो भी कंपनियां वहां पे फॉर्म हुई है उसमें जमा हुआ। क्योंकि पहले ये था कि आप लोकल टैक्स पे करो, आपको सोर्स नहीं पूछा जाएगा, उसी तरीके से सेम फॉर्मूले को हम हिंदुस्तान में लागू कर सकते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में घूस के पैसे और जो जमीन बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, प्रॉपर्टी ट्रांसफर के पैसे, ओवरऑल जिसको काला धन कहते हैं, उस काले धन को हम सफेद कर सकते हैं कि सेल्फ डिक्लेरेशन सिस्टम गवर्नमेंट लाए। बहुत पहले मनमोहन सिंह जी ने 91 में ये किया था जी। लेकिन उस समय 30% स्लैब कर दिया था तो उसमें कम पैसे आ पाए। अभी अगर हम ये परिचर्चा एक बार हो चुकी है, इसमें शुरुआत की जा चुकी है, एक बार हो चुका था, उसमें गोल्ड बॉन्ड RBI ने इशू किया था और उसमें ये नहीं पूछा जाता था कि इसको खरीदने के लिए पैसा कैसे करके कहां से लाए हुआ। तो हम उसी तरीके से हम पैसा जमा कर सकते हैं, उसमें नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड करके हम ला सकते हैं जो 5 साल के लिए वो खरीदा जा सकेगा। पर इससे ऐसा नहीं लगता कि इससे एक तरह से आप क्राइम को बढ़ावा, क्राइम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इसलिए जब सारे पैसे व्हाइट हो जाएंगे, आपके पास सपोज ऐसा अनडिक्लेयर्ड मनी 2 करोड़ रुपए है जी, आपने 2 करोड़ रुपया आकर के जमा किया गवर्नमेंट में और आपने बॉन्ड खरीद लिया 5 साल के लिए, 2 करोड़ रुपया में आपको 10% डिडक्शन के साथ, अगर आप सोर्स नहीं बताते, सोर्स डिक्लेरेशन है तो उसमें कोई पैसा कटना नहीं चाहिए, अगर आपने सोर्स डिक्लेयर नहीं करना है जी, वो पैसा सीक्रेट है आपका, तो उसमें 10% डिडक्शन के बाद 90 रुपए का आप बॉन्ड ले लेते हो जो 5 साल के पहले इन कैश नहीं होगा, उस पैसे को देश के विकास में लगाया जा सकता है। तो उस तरीके से जो देश के अंदर है या प्रॉपर्टीज जो आपके पास है, जिस जो डिक्लेरेशन नहीं है उस पे टैक्स के रूप में आप 1-2% लेवी लेकर के गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि हम सेल्फ डिक्लेरेशन करें प्रॉपर्टी का, कैश का करें, कैश को हम बॉन्ड के शेप में खरीद लें, अगर हम जमा करते हैं सरकारी खजाने में तो उसका हमें बॉन्ड मिल जाए, जिस बॉन्ड को हम कहीं भी गिरवी रख करके उस पे बैंक से लोन ले सकते हैं, वो वाइट बॉन्ड हो और 5 साल तक मिनिमम FD हो उसका, 5 इयर्स का, जो बैंक रेट इंटरेस्ट भी उस पे मिले और 10% उस पे लेवी लेकर के उससे ये नहीं पूछा जाए कि ये पैसा कहाँ का है। जिस तरीके से 4% पे स्विट्जरलैंड में पहले आप पैसा जमा कर सकते थे, कंपनियां बना के जमा कर सकते थे, इसलिए टैक्स हेवन वो कंट्री मानी जाती थी। हम अपने यहाँ भी वो सिस्टम कर दें, हम कम टैक्स नहीं, वही अनडिक्लेयर्ड मनी का, क्या अब तक इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या रुकावटें आ रही है जो ये सिस्टम भारत में लागू नहीं हो पा रहा? भारत में लागू करने के लिए टैक्सेशन को इजी करना पड़ेगा, इनकम के डिक्लेरेशन को भी इजी करना पड़ेगा, पैसे अगर हम अनडिक्लेयर्ड मनी उसको डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उसका भी सिस्टम इजी करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है कि काला धन और जो विदेश में पैसे हैं हम उनको भी कर सकते हैं कि भाई अगर आप देश में लाना चाहते हो
तो हम ये नहीं पूछेंगे कि आप किस तरीके से ले गए थे, आप लाना चाहते हो, अभी आप देखो इसी भी रूट से पैसे आ रहे हैं, वहां कंपनी बनाया करके लोग पैसा जमा कर रहे हैं और यहाँ पे गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, लेकिन वो बैकडोर एंट्री है, भारतीयों के पैसे जमा है वहाँ, ठीक है, वहाँ की कंपनी भारतीयों के पैसे से वो लोग तरक्की कर रहे हैं और हमारे पैसा वहाँ पर है और हम लोग डाउन होते जा रहे हैं। तो हम ला सकते हैं, हमें स्पष्ट नीति रखनी पड़ेगी कि अनडिक्लेयर्ड मनी को हम एक स्मॉल टैक्सेशन में डालें और उसको राष्ट्र के विकास में लगा दें, नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड इश्यू करें एक लिमिटेड पीरियड के लिए, 5 साल 6 साल के लिए, हम उस पैसे को उनको ना दे करके देश के विकास में लगा दें, जिसके बदले उनको बॉन्ड दे दें जिसपे उनको इंटरेस्ट भी मिले, तो वो पैसा सफेद भी हो जाएगा, उनके लिए भी दिक्कत नहीं, हमारे लिए भी दिक्कत नहीं, देश का विकास हो जाएगा इस तरीके से। और ये जितने यहाँ अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी या कैसे उनको भी आपको एकदम स्मॉल लेवी लगाना चाहिए, क्योंकि इतना ह्यूज अमाउंट है ब्लैक में हिंदुस्तान में, बाहर तो है ही है, हिंदुस्तान में इतना है कि हम जितना वर्ल्ड बैंक का या डिफरेंट एजेंसीज का कर्ज, जो आपने बोला कि कर्ज या अनुदान पे चल रहे हैं, हमें ना अनुदान पे चलने की जरूरत है ना कर्ज पे चलने की जरूरत है, हम दोनों ही चीज अगर सिर्फ अनडिक्लेयर्ड को डिक्लेयर करने का प्रोसेस इजी कर दें और हम सवाल नहीं पूछे। दूसरी बात यह है कि जो टास्क फोर्स है टैक्सेशन के, उनको खत्म करना चाहिए, सेल्फ डिक्लेरेशन पे हमें आदमी पे विश्वास करना पड़ेगा, हम टैक्स कुछ कम लोग देते हैं, हम रिक्शे वाले से भी टैक्स लें, हम इंडस्ट्री से भी टैक्स लें, एक तरफ टैक्स कम करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप टैक्स लेने की बात कर रहे हैं। नहीं, टैक्स सेल्फ डिक्लेरेशन में होना चाहिए, अगर देश का विकास करना है तो टैक्स तो चाहिए, लेकिन कितना चाहिए। ध्यान देने लायक मामला है कि अगर हमारे देश में 25 करोड़ परिवार है, 125 करोड़ की आबादी, 25 करोड़ पर परिवार है, अगर 25 करोड़ लोग टैक्स देने लग जाएं, तो आप यकीन मानिए सेल्फ डिक्लेयर्ड टैक्स, अगर हर आदमी जो 100 रुपया कमाता है वो भी 1 रुपया अगर टैक्स पे देना शुरू करे, तो देश के विकास से वो व्यक्ति जुड़ेगा भी, तो यही और ना, अगर वो 100 रुपए में 1 रुपया देगा तो यही तो वो बचाना चाहता है। नहीं, वो बचाने में उसको दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति जो 100 रुपया कमा रहा है उसको 1 रुपया देने में दिक्कत नहीं है, उसको 50 पैसा देने में दिक्कत नहीं। सेल्फ डिक्लेयर्ड मनी अगर है, एक रिक्शा वाले जो बोलो कि तुमको देश के विकास के लिए तुम्हारी कमाई का 1 रुपया चाहिए, वो हंस के देगा, लेकिन आप उसको बोल दो कि तुम 10,000 रुपए महीना कमा रहे हो, 1.5 लाख रुपया साल का है मिनिमम लिमिट जो है, 1,80,000 है, 1,50,000 है, उसका टैक्स लगता है, ये क्यों है। आप टैक्स इजी कर दो ना, 1%, 2%, 4% मैक्सिमम कर दो इंडिविजुअल इनकम पे, इंडिविजुअल इनकम पे टैक्स कम होता है तो उससे फिर देश की तरक्की में दिक्कत आएगी, कैसे होगी? नहीं, ज्यादा ज्यादा लोगों की भागीदारी होगी। ब्लैक मनी को जब आप डिक्लेयर कर, जो अनडिक्लेयर्ड मनी है उसको जब आप डिक्लेयर करो, बहुत पैसा आ जाएगा। आप गवर्नमेंट के पास पूरा मैकेनिज्म है, एक तरफ 25 करोड़ परिवार और उसमें जो लोग काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो मजदूर है चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसका देखो। दूसरी बात यह है कि जो हम बड़े कारपोरेट्स को हम सब्सिडी देते हैं, उस सब्सिडी को बंद करना चाहिए जी। जब प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी है, डिक्लेयर्ड मनी है, तो हमें उनका, आप ये देखो कि 5.5-6 लाख करोड़ जो बड़े घराने हैं, 10-15 जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको हम सिर्फ सब्सिडी दे देते हैं, जबकि अगर हम सब्सिडी उनका बंद कर दें तो देश के विकास में वो पैसा खर्च हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है। अगर 5 लाख करोड़ का आप सिर्फ रोड और बाकी चीजें बनाओगे हर साल, तो देश कहाँ पहुंचेगा। आज के रिसोर्सेज में भी सिर्फ बड़े घरानों को सब्सिडी देना बंद कर दें, मार्केट को हम थोड़ा इजी कर दें, मार्केट का जो सिस्टम है उसको, उसकी पॉलिसी जो इंस्पेक्टर राज खत्म करें, बिल्कुल, जो आप हमेशा कहते हैं सिंगल विंडो सिस्टम करें, डिक्लेरेशन भी उनका हो, उनसे पूछा भी ना जाए, और उस पैसे को सिर्फ 5 साल के लिए लॉक इन पीरियड में डाल दिया जाए, 10% टैक्स ले लिया जाए मैक्सिमम, गवर्नमेंट उसको कैलकुलेट कर सकती है। बहुत सारे उपाय हैं, ये तो अभी छोटे छोटे उपाय हैं, बहुत सारे पॉलिसी में ऐसे उपाय हैं जिनको बहुत आसानी से लागू किया जा सकते हैं और जिनका बहुत दूरगामी परिणाम बहुत जल्द दिखाई पड़ेगा। जी निशलेश जी, आपके विचारों से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ और मैं पूरी उम्मीद करूंगी कि भारत सरकार हमारी जो राय है उससे सहमत हो, ताकि भारत का पैसा भारत के ही विकास में काम आए। धन्यवाद।